हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोज साइंस। और जैसे हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, तो आज हम वापस से साथ में हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने की, जिसका चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले मैंने क्लास 6 के 1-7 चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिए हैं विद द एक्सरसाइजेस, क्लास 7 के 1-5 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं विद एक्सरसाइजेस, और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 4 को, और फिर इसके एक्सरसाइजेस को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के सभी वीडियो को एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं देंगे, तो मैं आगे वीडियोस कैसे डालूंगी। और आपके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आएगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिरकार कंबशन एंड फ्लेम इस चैप्टर में है क्या, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि आखिरकार व्हाट इज़ कंबशन, कंबशन है क्या, ठीक है। इससे पहले आपने क्लास 7th में नहीं पढ़ा है तो क्लास 7th मैंने वीडियो में डाला हुआ है, वहाँ पर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में ये एक एग्जांपल था जहाँ मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है, एक मैग्नीशियम रिबन थी, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता था हीट एंड लाइट के साथ, ठीक है। ये आपके में बुक में था, आप मोटा मोटा ये समझिए कि एक मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, यानी आग के सामने रखा जाता है, तो ये तुरंत जलने के बाद ऐसी लाइट प्रोड्यूस करता है और पाउडर के फॉर्म में यहाँ मिल जाता है हमें, ठीक है। यानी कि अब ये पूरी तरह से केमिकली चेंज हो गया है, मैग्नीशियम रिबन जो रिबन थी वो हो चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और केमिकली बिल्कुल स्ट्रक्चर उसने अपना चेंज कर दिया है, और केमिकली वो कुछ और ही बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अब मैग्नीशियम रहा नहीं, ठीक है। लेकिन लाइट और हीट उसने साथ में जनरेट की जलने पर, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें, चारकोल जब बर्न किया जाता है एयर में, ठीक है, तो वो क्या करता है, और चाहे कोल हो, ये दोनों ही जब बर्न करते हैं तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को, हीट को और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये साथ में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब जब जलाए जा रहे हैं तो इनमें कॉमन बात क्या निकल के आ रही है कि देखिए, एयर से जब आग एयर में लगाने का मतलब होता है, फायर में लगने का मतलब, तो फायर तब तक नहीं जल सकती जब तक एयर ना हो। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सीजन से एक्चुअली में जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से एक्चुअली में आपकी चीज़ें रिएक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। जो आपका मटेरियल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो भी बर्निंग मटेरियल है, जैसे मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से, और लेकिन सिर्फ यही नहीं बनाया, और चीज़ किस में यूटिलाइज हुई, हीट में और लाइट में, वैसे ही कोल में और कार्बन डाइऑक्साइड में हुई, ठीक है। तो ऐसी केमिकल कंबशन क्या है, केमिकल प्रोसेस जहाँ पर उसका रिएक्शन, इन विच सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, जलने के दौरान वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट को एमिट करता है। यहाँ सब में हीट एमिट हो रही है, ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाएंगी, कंबशन कहलाएंगी। साथ में कुछ और भी निकल रहा है वो मैटर नहीं करता कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट भी निकल रहे, पर हीट ज़रूर निकलेगी जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और ऐसा काम कब होता है, बर्निंग के दौरान ही होता है, जब हम फायर लगाते हैं उस पर बर्निंग लगाते हैं, यानी कि बर्न कर रहे होते हैं जब किसी मटेरियल को, तो वहाँ केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वो केमिकल प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन के साथ उस मटेरियल का रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब ऑक्सीजन के साथ जिस मटेरियल का रिएक्शन शुरू होता है उसमें वो कुछ मटेरियल बनाएगा, उसके साथ क्या करेगा, हीट ज़रूर इवॉल्व हो रही होगी। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद केमिकल प्रोसेस जहाँ हीट भी जनरेट हो रही हो, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो सब्सटेंस जो कंबशन कर रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल कहेंगे। देखिए, हर सब्सटेंस जो है वो ऐसा नहीं करता कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जैसे कि आप अगर स्टोन में फायर लगाएंगे, पत्थर पे, तो क्या वो जलेगा, वो जलेगा ही नहीं, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। सारे के पास ही कैपेसिटी नहीं है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाए फायर लगाने पर, ठीक है। तो बात है ये कि कंबस्टिबल कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो जलते हैं, सारे सब्सटेंस नहीं होते कि जो जलते हैं, ठीक है। और ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल ही की तरह तो काम करे पूरा, जब तक नहीं जल जाएगा तब तक ये आग निकलती रहेगी और ये फ्यूल की तरह काम करता रहेगा। फ्यूल कैसे हो सकते हैं, सॉलिड में भी आग लग सकती है, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ही बात कर रहा है कि हो सकते हैं। तो सिस्टम कंबस्टिबल कहलाता है, और इन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम की बात की जाए, ठीक है, मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नीशियम और चारकोल है हमारे, वो कैसे सब्सटेंसेस हैं, कंबस्टिबल हैं। कंबस्टिबल क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब यही होता है कि उनमें जैसे ही फायर आप लगाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। आप सीधे सीधे मतलब समझे, तो जो जल रही है चीज़ वो कंबस्टिबल कहलाती है, ठीक है। मोटी मोटी में बात अगर आप ये करें,
कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं और वो जल इसीलिए रहे क्योंकि इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो पा रहा है, और ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन इसका हो पा रहा है इसका मतलब है कि ये एक फ्यूल है जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। सारे सब्सटेंसेस कभी भी कंबस्टिबल नहीं होंगे, इसलिए एक्टिविटी 4.1 में आपको एक पूरी लिस्ट दी गई है जहां आपको क्या करना है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है कि नॉन कंबस्टिबल है, इस पर आपको टिक लगाना है। अब सपोज करिए आप वुड को समझिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ तो वुड में क्या है कि वुड को आप जलाओगे थोड़ा वक्त लगेगा, पर लकड़ी जलती है, यह आपको पता है, लकड़ी जलती है तो ये कंबस्टिबल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। पेपर भी जलता है, कंबस्टिबल की कैटेगरी में आएगा। आयरन नेल की बात की जाए तो ये जलती नहीं है, ठीक है, ये जलती नहीं है कि आप इसको जलाएं तो जल जाए, जब ये आप आयरन नेल को करेंगे पिघलेगी और पिघल के भी आयरन को ही बनाएगी, यानी इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इसलिए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में आएगी, ठीक है। केरोसिन ऑयल पूरी तरह जल जाएगा इसलिए कंबस्टिबल में आएगा। स्टोन पीस की बात करें तो आपको पता है कि स्टोन पीस बिल्कुल नहीं जलेगा, नॉन कंबस्टिबल में आएगा। तो इसी तरह की हम बात करें, स्ट्रॉ की बात करें तो पिघल कर क्या, अगर प्लास्टिक का स्ट्रॉ है तो पिघल के वो क्या करेगा कि पिघल के जो है वो मटेरियल वापस या तो प्लास्टिक को ही जनरेट करेगा या मटेरियल पे करेगा, ठीक है, डिपेंड करता है। कंबस्टिबल हो भी सकता है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा उसकी हो और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, गल भी सकती है। नेक्स्ट बात करें तो चारकोल की बात करें तो चारकोल कंबस्टिबल में ही आएगा, ठीक है। मैच स्टिक भी आपकी बात करें तो ये कंबस्टिबल में आएगी, जलती है। ग्लास की बात करें तो नॉन कंबस्टिबल है, ग्लास बिल्कुल जलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आपने पता लगाया कि सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कंबस्टिबल है या वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो सारे सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं, यानी सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, सारे के सारे रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो एक तो कंडीशन, सबसे पहले यहाँ तीन कंडीशन है कि कौन सी चीज़ जलेगी। जलने के लिए सबसे पहले कंबस्टिबल, उसका खुद का कंबस्टिबल होना, यानी खुद का जलने वाले मटेरियल से बना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि कौन सी कंडीशन है, अब हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, जहाँ पर क्या होता है कि कंबस्शन टेक्स प्लेस करता है, यानी कि रिएक्शन ऑक्सीजन से हो पाती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसके लिए आपको एक एक्टिविटी 4.2 दी गई है, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक आप कैंडल लीजिए, उसको जलाइए और उसके ऊपर जो ग्लास है उसको रख दीजिए, और ग्लास देखिए पहले इस तरह रखा हुआ है कि वो नीचे से हवा जा सकती है, ठीक है। जब नीचे से हवा जा रही है तो क्या होगा कि ये कैंडल जलती रहेगी, लेकिन आप जब बिल्कुल इसको बंद कर देंगे, अब इसको बंद कर दिया है तो आप देखोगे धुआं उठेगा और ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद इसके ऊपर एक चीज़ और रख दें ताकि बिल्कुल ही आप हवा को ब्लॉक कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिल्कुल ही बंद होगी। अब ये तीन से क्या पता चला कि एयर की जब तक प्रेजेंस थी तब तक ये जल रहा था। जलने का मतलब था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, वैक्स को ऑक्सीजन से जब वो जल रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन मिल रही थी, इसलिए कंबशन प्रोसेस चल रही थी। सब्सटेंस कंबस्टिबल हो पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, एयर की, ऑक्सीजन में बात करें तो एयर की प्रेजेंस ना हो तो भी यहाँ पर क्या है कि जो कंबशन है, कंबशन यानी कि जो जलने वाली प्रोसेस है वो टेक प्लेस नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंबस्टिबल हो, पहली बात तो कंबस्टिबल नहीं होगा तो क्या होगा, जलेगा नहीं, यानी कि सब्सटेंस को कंबस्टिबल होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि वहाँ एयर की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ क्या था, आपने बंद किया, पहले तो आग पूरी तरह से एयर जो है वो जितनी थी उतने में जलने के बाद वो क्या होने लगी, धुआं उठा, और उसके बाद पूरी तरीके से जब एयर ब्लॉक हो गई तो कहीं से भी जो है वो जलने का कोई कैटेगरी ही नहीं थी, इसलिए बिल्कुल नहीं जली। एयर की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दी सब्सटेंस इज कंबस्टिबल, वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द एयर ऑल्सो, ठीक है। सो एयर नहीं है तो यहाँ पे चीज़ें काम नहीं करेंगी। दूसरी एक रिक्वायरमेंट हमारी इस एक्टिविटी से हमें पता चल गई, सो वी फाइंड दैट फॉर द कंबशन एयर इज नेसेसरी, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपको एक्टिविटी 4.3 दी हुई है, जहाँ आपसे कह रहा है यहाँ सेम प्रोसेस है कि आप बर्निंग वुड ले लो या चारकोल ले लो, ठीक है, वो जलता हुआ होना चाहिए। अब जलता है तो आप देखते हो कि वुड हो चाहे चारकोल हो, लाल लाल सा दिखने लगता है, ठीक है। अब उसको किसी आयरन प्लेट या तवे पे रख दो और उसको क्या करो, ग्लास जार से कवर कर दो। जब आप ग्लास जार से कवर करोगे देखोगे कुछ टाइम बाद जो चारकोल है वो बर्न करना स्टॉप कर दिया उसने, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, एयर को, एयर की सप्लाई को रोक दिया। और जहाँ एयर की सप्लाई को रोकेंगे आप, वहाँ पर क्या होगा कि वो कितना भी कंबस्टिबल हो और जल रहा हो, एयर के कांटेक्ट में अगर नहीं आएगा तो वो जलेगा नहीं। आपको बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, जब जाड़ा वाड़ा होता है और अगर आपके यहाँ पे हीटर के अलावा आपने कभी देखा हो कि लकड़ी वकड़ी जलाकर जब हाथ सेका जाता है तो अगर लकड़ी बुझने लगती थी तो उसको हवा दी जाती है, राइट, हवा दी जाती है। तो हवा का मतलब क्या होता है कि एयर जितना ज़्यादा आप उसको दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके पास पहुँचेगा और वो रिएक्शन जो है जल्दी करेगा, और रिएक्शन की वजह से आपका क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस कंबस्टिबल है, हालांकि वुड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये जलना शुरू कर देगा।
प्रोसेस देगी, और एयर जितनी कम कर दोगे उतना धीरे धीरे, और हवा कम चलती है तो क्या होता है कि चीज़ें नहीं बन रही होती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये नॉन कम्बस्टिबल में चला जाता है, ठीक है। तो ये कम्बस्टिबल होने के बाद भी ये क्या करेगा कि जलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपने क्या जाना कि एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी है, अगर आपने देखा हो तो फिल्म से या किसी कहीं पर भी देखा हो, कोई इंसान जलने लगता है तो उसे कंबल तुरंत ही उड़ा दिया जाता है ताकि वो जो आग है वो कम हो जाए। उसका कारण क्या होता है कि जो आदमी जल रहा है, जैसे कपड़े जल रहे हैं, वो कम्बस्टिबल, कपड़ा भी हमारा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जलाने पर तुरंत जल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको रोकने के लिए क्या करना होगा कि एयर की जो एयर के कॉन्टैक्ट में इसलिए और जलना शुरू कर रहा है, एयर के कॉन्टैक्ट से करने के लिए इसको तुरंत ही कंबल जो है वो एयर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर पानी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है तो कंबल फटाफट उसको लपेट दिया जाए, एयर की प्रेजेंस को कम किया जाता है। एयर की प्रेजेंस जैसे कम होगी, ये इंसान की वो आग जो है वो जलना बंद हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करें तो कुछ एक्सपीरियंस को आप रिकॉल करो तो एक यहाँ एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा, ठीक है। अब आप देखो मैच स्टिक क्या अपने आप जल सकती है, आप देखते हो कि मैच स्टिक अगर रखी हुई है तो अपने आप जलने लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पीस ऑफ पेपर को जब आप बर्न करते हो तो ये मैच स्टिक से, तो आपको मैच स्टिक उसके पास ले जानी पड़ती है और थोड़ी देर बाद वो पेपर जलना शुरू होता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस है कि थोड़ी देर बाद जलना शुरू होता है, तुरंत पेपर जलना शुरू होता है तो थोड़ा सा समय लेता है और फिर पेपर बर्न करना शुरू करता है। मैच स्टिक को भी क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है तब जाके वो बर्न होती है, ठीक है। इस पर जो उसके ऊपर एक दिया रहता है, हम लोग आज मैच स्टिक की एक हिस्ट्री भी जानेंगे तो उसको देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग द लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, तो सिर्फ एक मैच स्टिक से आप लकड़ी नहीं जला सकते, आपको पता है एक फ्यूल डालना पड़ता है उसके साथ, वुड के साथ, ताकि वो और जले। चाहे आप उसमें थोड़ा सा एक ऐसा चीज़ जलने वाली बिल्कुल ले आओ, जैसे कि आप लोग कथा वथा जब होती है तो कपूर वपूर जला दिया जाता है क्योंकि वो जल्दी जलता है और जलने के बाद वो उसकी हीट को जो है लेकर चीज़ें करना शुरू करता है। अब ये सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि फायर जो है वो हर एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कैच करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर पर कैच करने का क्या मतलब है, हर एक मटेरियल फायर को तब लेगा जब उसके पास क्या होगा एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर को जैसे ही वो पाएगा उसके बाद वो जलना शुरू होगा, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर कैसे दिया जाएगा, उसको हीटअप कर कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोवेस्ट टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर उस सब्सटेंस का एट विच कि वो फायर को कैच करना शुरू कर दे, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। सो अनदर रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, हीट है, ठीक है। अनदर रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि उसको हीट करना इंपॉर्टेंट है ताकि उसके इग्निशन टेम्परेचर जहाँ वो जलना शुरू कर दे वहाँ तक बात करते हैं। लकड़ी से बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा, अब आप लकड़ी को देखो तो लकड़ी तुरंत जला, आप माचिस लेकर जलाओ तो वो जलना तुरंत नहीं शुरू करती है, बट आप जलाए रहो ऐसी किसी सब्सटेंस से, चाहे वो माचिस हो चाहे वो आप कोई ऐसी चीज़ लकड़ी से, लकड़ी बहुत देर तक जलने लगी उसके बाद जलाते रहो तो इसको हीट करते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी को हीट करते रहते एक बार उसने आग पकड़ ली, पकड़ने का मतलब होता है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया है, हीटअप करने की वजह से ही टेम्परेचर पे पहुंचेगा, हीट बढ़ेगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसके बाद जैसे अपने इग्निशन, तो वक्त लगता है, वक्त लगने का मतलब है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। अब बात कर लें अगर कि कपूर वगैरह अगर जैसे हैं, तो कपूर वपूर ऐसे मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ही कम उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, बहुत ही लोवेस्ट होता है कि बस तुरंत हमने माचिस लगाया और तुरंत जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हर की रिक्वायरमेंट क्या है अलग अलग है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं, तो कितना भी कम्बस्टिबल हो वो क्या होगा, कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, एयर की भी प्रेजेंस है, पर हीट उतनी उसको अभी नहीं मिली है कि वो फायर को कैच कर पाए। एक बार फायर कैच कर जाए तो चीज़ें हो जाएंगी। अब आपने फॉरेस्ट फायर की बात सुनी होगी, ठीक है। अब फॉरेस्ट फायर की बात करें तो फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है, कोई खुद से लगा दे, ह्यूमन कॉज तो होता है, पर ह्यूमन कॉज के अलावा अपने आप आग ऐसे लगती है कि पत्ते जो होते हैं सूखे पत्ते वहाँ पर, ठीक है, सूखे पत्ते को भी अगर आप जलाओ तो वो जल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सूखे पत्ते जलते तो हैं लेकिन क्या होता है, सन की हीट होती है, ठीक है, सन में क्या होती है, हीट होती है। अब सन की हीट से क्या होता है कि धीरे धीरे इसका इग्निशन टेम्परेचर इस पर पहुंच जाता है, हीट करने की वजह से क्या होता है, जैसे ही इसका इग्निशन टेम्परेचर इसके पास पहुंच जाता है और जितने में ये टेम्परेचर में आग पकड़ता है उतने पकड़ लेगा, तो हीट जैसे ही इसको मिलेगी ये तुरंत ही क्या है, जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सन की प्रेजेंस में ही हीट इतनी पा जाता है कि खुद से जलना शुरू हो जाता है, और जब ये घास जलती है धीरे धीरे घास पूरी तरीके से फैलती है और सब जगह फैल जाती है और आग जो फॉरेस्ट उसमें लग जाती है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से आग दिखी हुई है, तो वो ड्राई समर में ज़्यादातर होती है। तो यहाँ देखा है, कैचेस फायर फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड द ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन द फायर। सो ऐसी फायर को डिफिकल्ट होता है क्लोज करना, इस समर में होता है कि हीट बहुत ज़्यादा होती है,
और ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। तो हमने क्या जाना कि तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तीन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो वो सब्सटेंस जलने वाला होना चाहिए, दूसरा एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पर, और तीसरा क्या जाना कि हीट, उसको जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम हीट देनी पड़ती है ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए, तब जाके वो जलना शुरू हो जाएगा। एक बार जलना शुरू हो जाए तो एयर के कॉन्टैक्ट में खूब बढ़िया रिएक्शन करेगा और कम्बस्टिबल तो वो होना ही चाहिए। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अब बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक, ठीक है। मैच स्टिक की क्या हिस्ट्री रही है, सबसे पहले बात करें तो मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेस जो हैं पाइन वुड के, वो क्या किए जाते थे, डिप्ड किए जाते थे सल्फर में, और एंशियंट टाइम में तो इस तरह से काम करता था, पर मॉडर्न में जब आए तो जो सेफ्टी है, यानी कि एक पाइन वुड लिया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, पाइन वुड में डिप्ड करते थे सल्फर, ठीक है। सल्फर को डिप्ड कर, सपोज करो ये सल्फर रखा है उसके घोल में, इसको डिप्ड कर देते थे, और उसके बाद क्या करते थे, एंशियंट टाइम में तो इस तरह मैचस्टिक यूज़ होती थी, पर मॉडर्न सेफ्टी मैचेस को 200 साल पहले ही खोजा गया है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि एक मिक्सचर होता है जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। इसका मिक्सचर जो है वो साथ में वाइट फॉस्फोरस भी लगाया जाता है, ठीक है। और कौन सी चीज़ क्या करती है भी आपको पता चलेगा। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, अभी जो आपके माचिस है उसमें क्या लगता है, हालांकि अभी की माचिस में एक चीज़ चेंज है, बट अभी आप समझो कि थोड़ा सा ही चेंज हुई है अभी। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, इन सबका क्या है, मिश्रण को ग्लू के साथ करके जो है वो अप्लाई कर देता है हेड के, वुड के हेड पे, जो वुड आप देखते हो आपके पास जो मैचस्टिक में होती है, वुड से ही बनी होती है। जैसे ही इसको रफ सरफेस पे क्या किया जाता है, स्ट्रक किया जाता था, तो ये वाइट जो फॉस्फोरस है सबसे पहले ये जलना शुरू होता है, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, तो ये रगड़ने की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसी हीट से ये फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। उसी हीट से क्या होता है कि ये तुरंत ही जलना खुद शुरू हो जाता है, ठीक है। कौन सी हीट, बिल्कुल वाइट फॉस्फोरस, बहुत जल्दी, ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो रगड़ होती है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है, रगड़ने पर देखिए आपके हाथ रगड़ो तो हीट जनरेट होती है, तो वैसे ही रगड़ने पर ही जब रफ सरफेस है फ्रिक्शन की वजह से सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर ये जलना शुरू होता है, ठीक है। ये स्टार्ट करता है कम्बशन ऑफ द मैच को, तो मैच जो है वो शुरुआत इससे करती है। हाउएवर अगर बात की जाए, फिर बाद में क्या होता है कि पोटेशियम क्लोरेट और फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जब पोटेशियम क्लोरेट जलता है तो ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर को ये हीटअप करते हुए एंटीमनी सल्फाइड के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचा देता है, और एंटीमनी सल्फाइड जब जलने लगती है तब आपकी वुड भी साथ में जलने लगती है, और वुड के लिए जितना चाहिए था उतना सफिशियंट टेम्परेचर ये तीनों मिला के जला देते हैं। इस तरह से आपकी मैच वर्क करती है। पर देखा गया है जो वाइट फॉस्फोरस है बहुत ज़्यादा डेंजरस था, किसके लिए, वर्कर्स के लिए, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पर भी, तो वाइट फॉस्फोरस को कम किया गया। आजकल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड तो होते ही हैं, लेकिन इसकी जगह रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। रेड फॉस्फोरस थोड़ा क्या है कि कम है, अनहेल्दी बाकियों की तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जब मैच को स्ट्रक किया जाता है रबिंग सरफेस से, जो कुछ रेड फॉस्फोरस है वो तुरंत ही वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी कि रेड फॉस्फोरस हमारा जो है वो वाइट फॉस्फोरस में बाद में कन्वर्ट होता है, ताकि ये हार्म ना करे जब बनाने वाले लोगों के लिए। तो रेड फॉस्फोरस खुद पहले वाइट फॉस्फोरस में, फिर पूरी प्रोसेस जैसे बताइए वैसे चलती है। वाइट फॉस्फोरस जलता है तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है कि पोटेशियम क्लोरेट जलने लगे, और पोटेशियम क्लोरेट जैसे ही जलने लगता है तो एंटीमनी हमारी जलने लगती है, ट्राइसल्फाइड वाली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और इससे हमारी वुड और हमें पूरी जो है वो आग, जब तक कि वो पूरी लकड़ी तक ना जल जाए, जलती हुई मिलती है, ठीक है। और इस तरह से हमारी मैचस्टिक काम करती है, मैच बॉक्स काम करता है, ठीक है। उम्मीद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो वी फाइंड दैट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो हमें क्या पता चला कि तब तक वो सब्सटेंस, चाहे वो कितना कम्बस्टिबल हो, अगर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो तब तक की फायर को कैच नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आपको पता चला होगा कि अब आप देखिए कि कोई भी चीज़ अपने आप जलने लगेगी, आप समझिएगा, जिसकी हीट जो है, जो हीटअप होके इतना पहुंच गया है कि वो अपने कम्बस्टिबल सब्सटेंस तक पहुंच गया, जो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया है, उसमें अपने आप क्या होगा कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगेगा और फायर को कैच कर सकता होगा। जब फायर जहाँ पर भी पाएगा तुरंत कैच कर लेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर उतना हो गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कुकिंग ऑयल ऐसे तो कैच नहीं करता फायर को, लेकिन जब शेफ़ वगैरह होते हैं तो उनके ऑयल पे देखेगा तो वो कैच करने लगता है फायर को। होता ये है कि ऑयल इतना ज़्यादा बर्न हो चुका होता है कि वो इतना हीटअप हो चुका होता है कि अपने इग्निशन टेम्परेचर पे ही होता है, और अपने जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर पे होता है, जहाँ थोड़ी सी आग पाता है
और वो क्या करता है, तुरंत वो आग को पकड़ लेता है और आग जलना शुरू हो जाती है। इस तरह से ऑयल पर आग लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट बात करें तो वुड की हमने यही बात बताई है, इग्निशन टेम्परेचर तभी पहुंचता है। नेक्स्ट बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाया है जिससे हमें क्या पता चलता है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हम कम भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक कप बनाया इन्होंने कागज़ का, फिल्टर पेपर का, और ये दूसरा कप बनाया। एक फिल्टर पेपर में उन्होंने पानी रख दिया और दूसरे पर कुछ नहीं रखा। अब उसके बाद इन्होंने कैंडल से जलाना शुरू किया इस पेपर कप को। होगा क्या, जिसमें वाटर है वो आग जल्दी नहीं पकड़ेगा और ये तुरंत आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा। हुआ क्या कि दोनों ही पेपर सेम मटेरियल के बने थे, तो आखिरकार ये वाला क्यों नहीं जला जो वाटर वाला है, क्योंकि इसका भी तो इग्निशन टेम्परेचर था, जैसे ये तुरंत ही पहुंच गया होगा और इसको जलना शुरू हो जाना चाहिए था। कारण इसका ये है कि इग्निशन टेम्परेचर पर जैसे ही ये पहुंच नहीं पाया, क्योंकि पानी था साथ में, जैसे ही इसे हीटअप हुआ, पानी ने कंडक्शन की प्रोसेस से क्या हुआ, अपने पास हीट को रख लिया, तो जो पेपर है उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि पानी बाकी हीट ले ले रहा था। ठीक है, जैसे ही जब पानी भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, उसके बाद जो है कागज़ जो है वो हीट पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि कागज़ पानी की, पानी से तो हीट ले ही लेगा और हीटअप होकर वो इग्निशन टेम्परेचर से पहुंचेगा तब लेगा। तो क्या हुआ कि वक्त इसलिए बढ़ गया इसको इग्नाइट करने के लिए, इसको जलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैंडल थी वो वही थी, पेपर भी वही था, बट वाटर की वजह से इसमें इग्निशन टेम्परेचर वेरी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि इग्निशन टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा है तो चाहे जितना भी बड़ा मटेरियल हो वो कैच फायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करेंगे तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये आपकी बुक में दिया है। तो वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी कि थोड़े पर ही फायर को कैच कर लेते हैं। जैसे हम बात करें तो पेट्रोल तुरंत ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, अल्कोहल की बात करें तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है, आपके इसीलिए बोला जाता है कि जब आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए आप आग के पास ना जाए, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अल्कोहल तुरंत ही जलने लगता है। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये बस आग पाते ही इतना टेम्परेचर पा लेता है कि आपको तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है। और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में यूज़ होती है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ज़रा सी भी आग जहाँ पर भी वो खुला होगा तुरंत आग पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा लो है, वो सारे सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अब आखिरकार तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फायर को, ठीक है। तो बात करें तो फायर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूल, फ्यूल का मतलब है वो जो जल रहा है, ठीक है। एयर का मतलब है एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन की, एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो वो एयर इंपॉर्टेंट है, एयर नहीं होगी तो भी ये जलेगा नहीं। और हीट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि हीट इसलिए चाहिए कि वो अपने कम्बस्टिबल वाले इग्निशन टेम्परेचर पर आ जाए ताकि वो जलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, जो आपके यहाँ फायर ब्रिगेड बोलते हैं हम लोग, आता है, वो क्या करता है, सप्लाई जो है इनकी किसी चीज़ की, अब देखिए फ्यूल तो वो कर नहीं सकता, जो जल रहा है उसको तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, इन दो की सप्लाई को कम कर सकता है, हीट कम कर सकता है और एयर की प्रेजेंस को कम कर सकता है, ठीक है। वो यही करता है, फायर ब्रिगेड क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल को और दोनों को, एयर की सप्लाई को कट ऑफ करता है। ये आपका फायर ब्रिगेड है। देखिए पानी से वो डालने पर करता क्या है, जब आग लगती है तो वो पानी जब डालता है, तो पानी से डालने से क्या होता है, सबसे पहले तो टेम्परेचर कम होता है, तो कम्बस्टिबल मटीरियल्स के जो भी हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर कम होता है तो शायद वो जलना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो पानी है जब इससे कॉन्टैक्ट करता है तो कुछ पानी वेपर बन जाता है, और वेपर से क्या होता है कि वो थोड़ी सी एयर की जगह ले लेता है, और एयर थोड़ी सप्लाई कम करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम करता है, और वाटर वेपर खुद वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं, H2O के वेपर्स, ठीक है, तो वो जगह ले लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे हम सप्लाई एयर की भी कम कर पा रहे हैं, और किसको कम कर पा रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी कम कर पा रहे हैं, यानी कि हीट भी कम कर पा रहे हैं, और इससे फायर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, वाटर कूल्स दी कम्बस्टिबल मटेरियल सो दैट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, नहीं हो पाती फायर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ऑल्सो वाटर वेपर जो है वो कम्बस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेते हैं और एयर की सप्लाई को भी कम कर पाते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में या आप कहीं पर भी देखे होंगे, आपकी हॉल में, आपकी सोसाइटी में ये लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब इसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी नहीं होता, अगर आपने ढंग से देखा होगा, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ होता है, देखिए जो आपका पानी है वो बहुत बढ़िया वाटर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन क्या होता है कि पानी आप हर जगह नहीं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है, यानी कि आपके सर्किट्स वगैरह अगर जल रहे हैं तो पानी अगर उस पर डाला जाएगा तो पानी आपको पता है खुद एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, करंट वरेंट लग सकता है, किसी को जो अंदर है उनको भी लग सकता है, अगर वो इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगी तो उस पर तो पानी नहीं डाला जा सकता। पानी अगर ऑयल और
पेट्रोल से लगा है उस पर भी नहीं डाल सकता, क्योंकि क्या होगा कि ऑयल और पेट्रोल जो है वो हल्के हैं, वो ऊपर ही आग जलाते रहेंगे, पानी नीचे बैठ जाएगा क्योंकि पानी भारी है ऑयल से। तो इसके लिए किया क्या जाएगा, इसके लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट जो इक्विपमेंट होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। ये क्या होता है कि ऑयल और इससे हैवी भी होता है, सॉरी भारी भी हल्का भी होता है, तो CO2 जो है वो अगर ऑयल और पेट्रोल की जैसे लगी है तो कवरिंग कर देता है ऑयल और पेट्रोल की, क्योंकि हल्का है उनके ऊपर, और क्या होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट को रोक देता है ताकि जो कंबस्टिव मटेरियल है एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। और दूसरा, CO2 क्या करता है, ठंडा भी होता है, तो वो क्या करता है टेम्परेचर को भी लो करने में काम करता है, इसीलिए CO2 बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, इसलिए तुरंत AC को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। अब यहाँ पर देखिए कि फायर सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है, फायर कंट्रोल रहती है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्ट केसेस में हार्म भी नहीं करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, पानी डालने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब भी होता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर डालने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी खराब नहीं होता है। तो CO2 दो काम क्या करता है, ठंडा होता है तो क्या करता है इग्निशन टेम्परेचर को भी लो करता है, और दूसरा क्या होता है ये पेट्रोल केरोसिन ऑयल सभी से हल्का होता है, तो ये क्या करता है एक लेयर जो है वो ऊपर ही, जो हल्की है वो ऊपर तैरती है। ठीक है, तो पेट्रोल और केरोसिन के ऊपर तैरेगी तो क्या करेगी कि एक लेयर CO2 की बना देगी, जिससे क्या होगा एयर की जो कॉन्टैक्ट है उसको ये जो यहाँ पेट्रोल है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं रखेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो कंबशन तीन तरीके का होता है, एक रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। ठीक है, रैपिड कैसा कंबशन होता है, जहाँ पर क्या होता है कि आप देखते हो कि गैस जो है वो रैपिडली प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट को, सच कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे कि आप मैचस्टिक लाते हो, मैचस्टिक तुरंत जलाते हो और जो आपकी LPG गैस है वो तुरंत जलने लगती है, ठीक है, बर्न करने लगती है। अब बर्न करने का मतलब यही होता है कि वो तुरंत रैपिड उसने कंबशन किया, क्योंकि हम लेकर गए वहाँ पर आग को। ठीक है, एक क्या होता है कि कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। ठीक है, वो क्या करता है कि सडनली अपने आप क्या करता है, कोई कॉज हमने खुद से नहीं कराया, एक होता है हम आग खुद लेके गए थे। ठीक है, जब आग आप खुद लेके गए थे गैस के पास तब तो वो जलेगी ही जलेगी गैस। ठीक है, लेकिन एक कारण क्या होता है कि हमने क्या किया कि अपने आप, जैसे कि सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, अब अपने आप रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर था, हमने कुछ नहीं किया, खुद से कोई कॉज नहीं था, रूम टेम्परेचर पे हीट, रूम टेम्परेचर ऐसे ही कोई 25-26 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस समय चल रहा है ऐसे टाइप का होता है, तो क्या होता है कि ये अपने आप इस टेम्परेचर के ही रूम टेम्परेचर पर फॉस्फोरस इतना इग्नाइट हो जा, इतना उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है कि अपने आप जलने लगता है। और फॉस्फोरस जब जलने लगता है तो ऐसे क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन हुआ, कॉज कोई नहीं था, कॉज ये था कि वो रूम टेम्परेचर पर ही अपने टेम्परेचर को पा गया और जलने लगा, तो ये स्पॉन्टेनियस काम हुआ। और एक रैपिड था, जहाँ हम लेके गए थे आग तब जलना शुरू हुआ था, रैपिड कंबशन था। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है क्रैकर में, जब क्रैकर को जलाया जाता है तो ये तीन तरीके के रिएक्शन करता है, एक तो हीट निकलती है, क्रैकर में क्या होती है गर्म चीज़ भी निकलती है, और लाइट निकलती है वो तो आपको दिखता ही क्रैकर में, और साउंड आवाज़ भी आती है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी फॉर्म्ड होती है जो लिबरेटेड होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। जहाँ हीट लाइट और साउंड तीनों निकल रहे हैं वहाँ क्या होता है इस जलने हुई चीज़ को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तीसरा टाइप ऑफ कंबशन है, तीन चीज़ें एक वजह से। अब बात करें तो फ्लेम क्या होती है, तो आपको पता है कि LPG की फ्लेम देखो तो उसका कलर कुछ अलग है, कैंडल की फ्लेम देखो तो उसका कलर कुछ अलग है। ये देखिए कैंडल, और अगर आप देखें तो ये देखिए नीली नीली, और ये हमारी कैंडल है। फ्लेम भी क्या होती हैं, अब आप लालटेन से लेके कैंडल और एक हमारा जो है बंसन बर्नर है, इन सबकी अगर आप चीज़ देखें, ये बर्नर आपको वहाँ मिलेगा लैब में, आपकी लेबोरेटरी में केमिस्ट्री लैब में मिलता है। ठीक है, तो तीनों ही बर्नर पर आप देखो तो बहुत ही अलग अलग तरीके से इनकी जो फ्लेम्स हैं वो जलती हैं। ठीक है, आखिरकार फ्लेम क्या होती है, उससे पहले आप देख लीजिए कौन सी फॉर्म फ्लेम की है, और कुछ कुछ में तो ऐसा होता है कि फ्लेम नहीं जलती, यानी कि आग तो लग रही वो जलता भी है पर वो जलता इस तरह से नहीं, जैसे कि आपकी हम बात करें तो कोयला बिल्कुल ऐसा नहीं जलता कि आग उसमें पकड़ लेती है। ठीक है, वो रेड रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो चारकोल की बात करें तो ऐसे ही होता है कि फ्लेम नहीं होती इसमें। ठीक है, वैसे ही बात करें तो मैग्नीशियम में फ्लेम होती है, कैंडल में फ्लेम होती है, तो इन सब में बात करें तो फ्लेम दिखती है, सब में फ्लेम दिखे ज़रूरी नहीं है। तो फ्लेम वो रीजन है, अगर फ्लेम किसी में जल रही है तो होगा क्या कि मटेरियल जो जल रहा है वो उस फ्लेम पर ही आके अपना क्या है कंबशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एनी हाउ वेपर का फॉर्म लेता है जो चीज़ जल रही। सपोज कि ये कैंडल ही है, अभी आपके में कैंडल एग्जाम्पल है, तो कैंडल क्या है जब वो जलती है तो वैक्स क्या होती है यहाँ पर जितनी हीट है वो यहाँ पिघलना शुरू होती है, पिघलती तो वो वेपर फॉर्म लेती है, और यहाँ पर जो वेपर है और जो ऑक्सीजन है यहाँ रिएक्शन हो रही होती है, बाकी कैंडल जैसी है वैसी
चल रही होती है, धीरे धीरे वो पिघलती जाती है, और पिघलती जाती है वो इस जगह पर आके, यानी कि ये फ्लेम वो जगह है जहाँ पर कम्बशन टेक प्लेस हो रहा है, यानी कि जहाँ जलने वाली प्रोसेस हो रही है, ठीक है। कम्बशन में सब्सटेंस क्या होता है, वेपराइज होता है, जो फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वेपर्स यहाँ होते हैं उस मटीरियल के, जो भी जल रहा है उसका मटीरियल, ठीक है। और पूरा का पूरा मटीरियल जल रहा है तो क्या होता है कि वो कोई फ्लेम नहीं है, फ्लेम में पूरा पूरा मटीरियल जल रहा है, लेकिन जल क्या रहा है उसी फ्लेम के अंदर, जो चीज़ें कम्बशन वहीं हो रहा होता है, ठीक है। और वो चीज़ वेपराइज हो चुकी है, उसी की रिएक्शन हो रही होती है। तो कैंडल जब लिट होती है तो मॉल्टन वैक्स जो है, विक, विक क्या होती है, जो ये लगाई होती है आपने कैंडल में, ये जो होती लगी होती है धागा, ठीक है, इसको विक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि वेपर इसकी मदद से ऊपर आता है पिघल के, और ऊपर आने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या करता है कि फ्लेम के ही रीजन में वो फिर रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में, हमारे यहाँ सिर्फ कैंडल का स्ट्रक्चर है, तो कैंडल में तीन तरीके के जोन होते हैं, इनर मोस्ट जोन जो सबसे अंदर जोन होता है, मिडिल जोन और आउटर जोन, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे तो इनर मोस्ट जोन की। इनर मोस्ट जोन को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप क्या करोगे कि एक कैंडल ले लो, ठीक है। कैंडल लेने के बाद क्या करो कि आप एक, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक पेज बताती हूँ, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में अगर आप एक कैंडल ले लो, ठीक है, कैंडल में क्या करो, एक होलो ग्लास की ट्यूब ले लो, ठीक है, ग्लास की ट्यूब ले लो, और आप एक माचिस लो, और माचिस इसको बिल्कुल यहाँ पर, जो बिल्कुल इनर फ्लेम है, हम इनर जोन को देखने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लगाओ इसके जो लास्ट एंड है, और जो ये वाला एंड है इस पर जली हुई माचिस लगाओ। जब जली हुई माचिस लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने आग पकड़ लेता है तुरंत ही, ठीक है। अब ये आग कैसे पकड़ रहा है, क्योंकि गैस तो कम्बस्टिबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, होलो की वजह से होता क्या है, जो बिल्कुल अंदर है, अंदर में वेपराइज्ड वैक्स होते हैं, काले कलर के वेपराइज्ड वैक्स होते हैं, जो कि वेपराइज जस्ट हुए होते हैं, यहाँ पर वेपराइज होते हैं, अभी इन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन शुरू नहीं किए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो वेपराइज वैक्स होते हैं ये ऊपर जाते हैं, ये रास्ता पा जाते हैं, और रास्ता जाके यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ मिल जाते हैं तो ये वेपराइज वैक्स जैसे ही इससे आग पकड़ते हैं तो ये जलना शुरू कर देते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंस क्या है, इनर मोस्ट में क्या है, वेपराइज वैक्स है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह देख लीजिए, इनर मोस्ट जोन फ्लेम हैज द डार्क ब्लैक वेपर्स ऑफ वैक्स होते हैं, इस पार्ट में वेपर्स अभी भी बर्न नहीं हुए होते हैं, इसलिए लीस्ट हॉट रीजन है कैंडल का। ये क्या है, लीस्ट हॉट रीजन है इनरमोस्ट, और यहाँ अभी भी डार्क ब्लैक वेपर ऑफ द वैक्स है। नेक्स्ट बात करें तो मिडिल जोन की बात करें तो मिडिल जोन जो होती है, मिडिल यानी कि इसके बीच की जोन, जैसे ये एक बिल्कुल इनर जोन है, इसके बाद एक मिडिल जोन होगा, उसके बाद ये जो होगा वो आपका आउटर जोन होगा। अब इस जोन में जब आप रखोगे तो आप क्या करो कि आप एक ग्लास प्लेट लाओ और उसके ऊपर रखो, तो आपको ऐसा काला काला दिखने शुरू हो जाएगा। ये काला काला क्या है, तो ये काला काला है सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो फॉर्म्ड होती है ग्लास प्लेट में, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। देखिए अभी क्या है, पार्शियली अब जलना शुरू है, जब पार्शियली जलते हैं तो पार्शियली का मतलब होता है कि ये अनबर्न अभी कार्बन पार्टिकल्स हैं, थोड़ी देर बाद ये पूरे कार्बन पार्टिकल्स बन के निकल जाएंगे, ठीक है। एक क्या था कि वेपराइज्ड सिर्फ वेपर वैक्स, सो एक में वेपराइज्ड वैक्स थे और एक में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे। कार्बन पार्टिकल्स सबसे पहले, एक में तो वेपर होके वो बना है, वो अभी भी जला नहीं है, और एक होता है कि पार्शियली जला है, ठीक है। इस बीच वाले में क्या है, पार्शियली जला है, और जो थर्ड वाला होगा उसमें कम्प्लीटली जलेगा, इसलिए ये इस वाले से तो कम ज़्यादा हॉट होगा पर ऊपर वाले से कम हॉट होगा, तो ये मिड जो है वो हॉट होता है, ठीक है। ये ल्यूमिनस जोन कहलाता है, और कार्बन इसलिए क्योंकि भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं जो काले काले हैं, जो उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो मिडिल जोन जो है फ्लेम का, यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं बर्निंग, पर जस्ट स्टार्टेड बर्निंग होते हैं, जो वैक्स के वेपर होते हैं, कलर इसके फ्लेम का येलो रहता है, ठीक है। आउटर जोन की बात करें, यहाँ कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, तो आप क्या करो, लॉन्ग कॉपर वायर लो जस्ट, और नॉन ल्यूमिनस जोन पे आप फ्लेम को 30 सेकेंड के लिए रखो, तो आप देखोगे कि जो ये कॉपर वायर है यहाँ इसके आसपास, जहाँ आउटर वाला जोन है इसके आसपास ही रेड हॉट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ, ये बाहरी वाले रीजन में, ठीक है, और बाहरी रीजन सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक। तो आपने नोट किया कि कॉपर वायर जस्ट आउट ऑफ द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, इट इंडिकेट्स दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन जो है, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आउटर जोन है फ्लेम का वैक्स वेपर का, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। एक रीजन है जहाँ पर अभी बर्न करना शुरू ही नहीं किया, वो इनर जोन है। एक जगह पर है जहाँ कि पार्शियली बर्न हुए हैं, और एक पूरा रीजन है जहाँ कम्प्लीटली बर्न होना शुरू हो गए। तो ये तीन प्रोसेस में तीन लेयर्स होती हैं आपकी फ्लेम ऑफ द कैंडल के, ठीक है। तो यहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन उसको मिल जाता है एयर से, और ये जो कलर फ्लेम होता है इसका कलर ब्लू होता है, और टेम्परेचर इस रीजन का सबसे ज़्यादा हाई होता है, आपको एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए तीन रीजन दिखाए हैं, आउटर जोन की बात करें तो कंप्लीट कम्बशन होता है इसलिए इसका कलर ब्लू होता है, मिडिल जोन जो होता है पार्शियल कम्बशन होता है
होता है इसलिए येलो होता है, और इनर मोस्ट जो जोन होता है वहाँ अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं इसलिए ये ब्लैक होता है। तो हॉटेस्ट होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, लीस्ट हॉट होता है, बाकी तो आपकी वैक्स कैंडल ये दिखी रही है। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल रही हूँ, ठीक है। अगर बात करें गोल्ड स्मिथ यानी कि वो जो सोना वोने के आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो बनाता है या फिर उनको सही कर पाता है, तो वो क्या करता है आउटर मोस्ट जोन की ही फ्लेम का मदद लेता है ताकि जो मेटेलिक ग्लो है आपके उनको थोड़ा सा पिघला कर क्या है चिपका पाए। गोल्ड और सिल्वर में बहुत थोड़ा थोड़े में ही चिपकाना होता है, तो वो वाली ही आपकी जो कैंडल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर का ही इस्तेमाल करता है आउटर मोस्ट जोन का, क्योंकि टेम्परेचर तो अगर आपको कुछ जलाना है तो आपको आउटर मोस्ट रीजन का इस्तेमाल करेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही, तो अब बात कर लेते हैं फ्यूल क्या है। तो फ्यूल क्या है कि रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है। फ्यूल क्या है, वो चीज़ जो जल रही है वो फ्यूल है कुल मिला के। दीज सब्सटेंसेज जो जल सकते हैं जिनको आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए इसलिए इस्तेमाल करें, खाना वाना बनाने के लिए तो वुड इस्तेमाल होता है, अगर आप बोले LPG इस्तेमाल होता है, कुछ लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, स्टोव में जलाते हैं, और गांव वगैरह में आज भी कोल वगैरह इस्तेमाल होता है, वुड इस्तेमाल होता है। ये सभी फ्यूल्स हैं जिनको किसी भी पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हो, इनको हम फ्यूल कहते हैं। तो कोई भी फ्यूल जो होता है वो आइडियल क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्यूल बेस्ट फ्यूल वो होता है जो कि चीप हो, जो ईजिली बर्न कर जाए और मॉडरेट रेट में, और इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी मिले, और इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो कुछ बताए ऐसा चीज़ भी ना छोड़े जिसकी वजह से क्या हो कि हमें बाद में सफाई करनी पड़े या ये सब करना पड़े। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें जो हैं वो सब एक जगह मिलना क्या है पॉसिबल नहीं है, कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता है। तो फ्यूल की इफिशियंसी, अगर आपको LPG दे दिया जाए और आपको कोल दे दिया जाए और काउडंग दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि हीट, देखो हीट जो है यानी कि कौन पतीला सबसे पहले गर्म करेगा, हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें एफिशिएंट फ्यूल क्या है उसके लिए आपको एक चीज़ दी गई है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है 1 kg जब ये फ्यूल जलता है तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी यूनिट किलो जूल पर kg में दी गई है। तो आपको देखना है जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आपके लिए होगा। तो काउडंग केक जब आपको दिया गया तो आप देखें 6,000 से 8,000 हीट ही ये जनरेट करता है, लेकिन अगर आप LPG गैस को देखें तो ये 55,000 जो है वो हीट को जनरेट करता है, और अगर आप देखें तो आपको अगर कोल दे दिया जाए तो ये 25,000 ही करता है। सबसे अच्छा आपके लिए एफिशिएंट क्या होगा, LPG को आप लें, और सबसे अच्छा देखें तो हाइड्रोजन आप लें, लेकिन हाइड्रोजन तो आपको मिल नहीं सकता, तो LPG जो है जो आपको मिलता है, इसलिए घरों में आपके LPG इस्तेमाल होती है, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए क्योंकि ये नुकसान भी कम करती है, और 55,000 हीट यानी कि जल्दी आपका जो भी पतीले से लेकर कुछ भी आप गर्म कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, जल्दी गर्म करेगा, क्योंकि हीट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट में ही कन्वर्ट करता है ये फ्यूल, और किसी चीज़ में नहीं, हीट में ज़्यादा कन्वर्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैलोरीफिक वैल्यू भी समझ में आई होगी। अब बात करें तो बर्निंग फ्यूल कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स को भी देता है, तो क्या क्या है हार्मफुल, कि जब वुड, कोल और पेट्रोलियम बर्न होते हैं तो ये जो अनबर्न पार्टिकल्स कुछ रह जाते हैं, अनबर्न पार्टिकल्स ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। जब कार्बन फ्यूल्स जो भी बर्न होते हैं तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाए हैं, ये फाइन पार्टिकल्स जब हवा में जो है जाते हैं तो पोल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं और डिजीजेस को कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा कॉज कर देते हैं, ठीक है। जलते हैं तो इन्वायरमेंट में ये इन चीज़ों को करते हैं, इसीलिए कोल वगैरह को मना किया गया है गाँव में भी अब इस्तेमाल करने से, इससे अस्थमा वगैरह की बीमारी हो जाती है। इनकम्प्लीट कम्बशन, जब पूरी तरह से कम्बशन नहीं हो पाता और एयर में ये मिलते हैं तो कभी कभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी बना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाती है, इसीलिए कोल जो है वो क्लोज रूम में जलाने को मना किया जाता है। क्लोज रूम में सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर ही प्रेजेंट है, और ये अगर बन के कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है वो क्या है, पॉइजनस मटेरियल है, तो इंसान मर भी सकता है रूम में अगर एयर जो है वो ऑक्सीजन ना मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने लगेगा, ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो कम्बशन कुछ फ्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जैसे पेट्रोल वगैरह जो है वो जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसे फ्यूल्स को भी कम इस्तेमाल करना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करते हैं। दूसरा क्या है कि जब कोल, डीजल ये सब रिलीज़ होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड को भी कभी कभी रिलीज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरेसिव गैस है। ये क्या करती है,
कि सल्फर और ये सब रिएक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट होती है उनके साथ मिलकर ही क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। एसिड बनाने की वजह से क्या होता है कि ये जब रेन होती है तो रेन के साथ गिरते हैं और ये एसिड रेन बन जाती है। और आपको पता है एसिड रेन, आप पढ़ चुके हो कि ये क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल सबको ख़राब करती है। तो एसिड रेन ना हो तो एसिड्स ना बने, सल्फर में ऑक्साइड के साथ मिलके नाइट्रोजन में ये बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये चार आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, हार्मफुल चीज़ें हैं जो इनके जलने पर होती हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं जान रही थोड़ा चैप्टर थोड़ा जल्दी हो गया है, अगर आपको ये चैप्टर अलग अलग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं दोबारा से अलग अलग भी कर दूंगी। पर अगर फिर भी थोड़ी वैल्यू मिली हो एक साथ करने की तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।